हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद्वेंटी फाइव इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ई एस विच हेज गिवन मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शंस सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाय बच्चे कुछ टॉपिक्स ना यूपीएससी के बहुत फेवरेट होते हैं खासकर वो वाले टॉपिक जो कि आपके समहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हों चाहे वो एनर्जी ट्रांजिशन हो चाहे वो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मटेरियल जो होता है वो हो या फिर इसके अलावा आपका इरिगेशन मेथड्स हो राइट इसके अलावा आपकी जितनी स्कीम्स हैं जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के इंटरसेक्शन के ऊपर लाया करते हैं तो यूपीएससी इसको बहुत सीरियसली लेता है क्योंकि यही फ्यूचर भी है यूपीएससी ट्रेंड के हिसाब से करता है वैसे ही आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन सोलर एनर्जी राइट ये एक पर्टिकुलर स्कीम है है जो जो अभी अभी रिसेंटली वो अनाउंस हुई है हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका ना पोटेंशियल बहुत ज्यादा है आपका नॉट ओनली इन यूपीएससी बट आपके जो बाकी एग्जाम्स है ना जैसे हरियाणा का सिविल सर्विसेज आ रहा है या फिर आ, पंजाब का सिविल सर्विसेज या फिर हरियाणा का आ, हिमाचल का सिविल सर्विसेज तो इनमें भी इसकी वेटेज है थोड़ी सी आ सकते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ कुछ कैच है इसके अंदर क्योंकि जब भी हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं आपको बेसिक बेसिक सोलर एनर्जी का पता होगा कि कि साइंटिफिक साइंटिफिक से से भी पता आपको पता हमको होने चाहिए किस कि कि प्रिंसिपल ये ये जो हमारे फोटो सेल हैं कैसे काम करते हैं ना बेसिक आपने में वो पढ़ लिया इसको इंप्लीमेंट करना है जब जनता तक पहुंचाना है राइट इसको मासिस तक पहुंचाना है तो वो स्कीम्स के थ्रू होता है वैसे ही आज एक जो स्कीम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अब सूर्योदय का मतलब आपको समझ में आता है और आप कहीं कुछ हद हाँ तक गैस भी कर लोगे कि सूर्योदय योजना है तो समथिंग रिलेटेड टू सोलर एनर्जी ही होगा आइए बच्चे देखते हैं कि क्या चीज है एग्जैक्टली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर एनर्जी ये तो समझ में आता है बच्चे नेक्स्ट चीज नेक्स्ट वाला हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा इंस्टॉल रूफ टॉप सोलर पैनल ऑन वन करोड़ हाउसेज अब ये वैसे तो स्टेटमेंट uh, बड़ी प्लेन सी लग सकती है ना और आप इसको uh, छोड़ सकते हो राइट right? कि uh, इत, इतनी कोई डिटेल में ये है नहीं स्टेटमेंट। है अगर हम देखेंगे तो सोलर रूफ टॉप की सोलर पार्क्स नहीं बनेंगे इसके अंदर जहां पे हमें पूरे एरिया के अंदर सोलर पैनल्स uh, लगा देते हैं और वो पूरा एरिया एज अ जनरेशन पॉइंट काम करता है नहीं ये डिसेंट्रलाइज सोलर जनरेशन है कहां पे सोलर पैनल्स को करने एक मतलब को इंस्टॉल करोड़ हाउसेस के ऊपर मतलब कि ये रेजिडेंशियल एरिया इसमें राइट क्या चीज है तो ये आपका रूफ टॉप सोलर इंस्टॉल करना ये इंप्लीमेंट होगा इसकी डिटेल्स अभी इवेंचुअली आएंगे अभी सिर्फ स्कीम अनाउंस हुई है राइट कि कितना आपको आ, सब्सिडी मिल रही है किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा एजेंसीज कौन कौन सी होंगी राइट तो उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स कंफर्म डिटेल्स थोड़े टाइम में आएंगी पर उसमें हमको जानने की जरूरत नहीं है यही है जो फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेनिफिशरीज देखिए पुअर एंड मिडिल क्लास हाउस इनकी जो बेनिफिशरीज है पुअर एंड मिडिल क्लास मिडिल क्लास को टारगेट किया जा रहा है मिडिल क्लास के पास में थोड़ी सी डिस्पोजेबल इनकम होती है वो फर्दर जो है अपनी आ, जो डिस्पोजेबल इनकम से वो बचाना चाहेगा कि हमारे और पैसे बचे कि इन्वेस्टमेंट की तरह क्लास अपॉर्चुनिस्टिक है, है मिडिल right? तो right? लॉन्च हुई थी वो उसको भी थोड़ा सा मैं करूंगा राइट right? और प्राइमरी बेनिफिट डिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स फॉर दारेड हाउस होल्ड मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट इन एनर्जी सेक्टर तो जब हम एनर्जी को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं कि सिर्फ पावर प्लांट पे प्रोड्यूस नहीं हो रही है है ना और वो यहाँ से तार में आ रही है बीच में लॉसेस बहुत सारे होते हैं आपको लॉजिस्टिक चार्जेस बीच में बहुत सारे लगते हैं वायर्स और ये सब मेंटेनेंस है ना डिसेंट्रलाइज पावर जनरेशन के अंदर यही होता है कि जहाँ पे आपने पावर यूज करनी है वहीं जनरेट कर लो और वहीं यूज कर लो राइट right? और इंस्पिरेशन इट वॉज अनाउंस शॉर्टली आफ्टर प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी जो भी अयोध्या राम मंदिर में हुई थी तो उसके बाद में ये अनाउंस किया है जस्ट बिकॉज़ वहां पे मीडिया और कैमरास दोनों अवेलेबल थे इंडियास करंट सोलर कैपेसिटी ये थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन्होंने क्या बोला सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया हैज रीच्ड अराउंड 73 गीगावाट एज ऑफ दिसंबर 20 23 राइट इसमें से 73 गीगावाट्स में से रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है दैट इज नियरली 11.08 गीगावाट्स। हमारा टारगेट कितना था 40 गीगावाट अभी हम देखते हैं स्कीम के तहत राइट right? और हमारी कैपेसिटी कितनी है पोटेंशियल कितना है 180 का राइट right? तो हमने कितना अचीव किया अभी 73 रूफटॉप से कितना किए 11 और कैपेसिटी कितनी है हमारी दैट इज 180 और ये मैंने आपको थोड़ा सा आपके स्टेट एग्जाम्स के लिए कुछ कुछ फैक्ट्स दे दिए हैं वो इस टाइप की चीज पूछ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल सोलर कैपेसिटी राजस्थान इज एट द टॉप टोटल सोलर कैपेसिटी राजस्थान इज एट द टॉप गुजरात इज एट द दोजीशन है ना नाउ वेन इट कम्स टू रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी गुजरात इज ऑन द नंबर वन फॉलोड बाय महाराष्ट्र बच्चे ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है ये आपको एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा आपको घूमने के चांसेस ज्यादा है थोड़ा दिमाग घूम जाएगा इसमें आइए बच्चे ये हमारा है रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम जो हमको पहले बता रहा था इसको बहुत शॉर्ट में डिस्कस करता हूं 2014 में बच्चे ये अनाउंस हुआ था एम क्या था इसका 40 गीगा ऑफ क्यूमलेटिव एनर्जी बाय 2022 ये टू रूफ टॉप की ही बात हो रही है इसमें ठीक है ये सोलर एनर्जी की बात नहीं है सिर्फ ये सोलर रूफ टॉप एनर्जी की बात हो रही है बच्चे फोर्टी गीगा वॉट्स बाय ट्वेंटी राइट और टारगेट जो है बच्चे वो इसका अचीव नहीं हुआ था यही मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा था बाई द एंड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सोलर रूफ्टी जनरेशन वॉज जस्ट इलेवन गीगा और इसमें से भी जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है दैट वॉज ओनली फिफ्थ ऑफ दैट वन फिफ्थ ऑफ इलेवन गीगाट्स राइट तो इन्हीं नंबर्स को हमने इंक्रीज करना इसी के ऊपर हमारा फोकस है एंड हो सकता है यूपीएस के ऊपर आपसे सवाल भी पूछे मेन्स में भी आ सकता है इसके ऊपर सवाल सोलर के ऊपर सोलर एनर्जी के ऊपर कुछ कॉमेंट वगैरह करने का कुछ आ सकता है तो अपना आइडिया क्लियर रखिए इसके ऊपर थैंक यू सो मच thanks for watching the video this 7 minute to the point series is specially designed for your prelims examination if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number 1 weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024